नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जम्यार। बुलडोजर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर करेंगे। बड़ी खबर है बीजेपी से जुड़ी हुई। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक खत्म हो गई है। 200 से ज्यादा रैलियों का प्लान इस बैठक में तैयार किया गया। पीएम मोदी, सीएम योगी दरअसल ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, गृहमंत्री अमित शाह की रैली भी प्लान की गई है। बीजेपी के दिग्गज करेंगे 200 से ज्यादा रैली। यूपी के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां होंगी। रैली के साथ साथ सम्मेलन और छोटी छोटी सभाओं का खाका भी तैयार किया गया है। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी, इस खबर पर बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विवेक, 200 रैलियों का प्लान तैयार किया गया प्रबंधन समिति की बैठक में, क्या प्लान है और कोई तारीख मुकर्रर की गई है या फिर अभी सिर्फ खाका तैयार किया गया है 200 रैलियों का? देखिए कुंदन, लगातार बीजेपी का प्रचार अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते 2 दिन से तमाम जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और 5 दिन में 20 से ज्यादा सम्मेलन इस तरह से उनको आयोजित करने हैं भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग जनपदों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है, चूंकि पहला चरण वेस्टर्न यूपी में ही वहां पर है तो वहां से शुरुआत हुई है और उसके बाद पूर्वांचल में जाएंगे, तमाम जनपदों में वो सम्मेलन करेंगे। इसी के साथ साथ चूंकि अभी आज जो बैठक हुई है बीजेपी के नेताओं की, उसमें तय किया गया है कि प्रचार अभियान किस तरह से चलेगा। अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। 200 से ज्यादा रैलियों का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें कई छोटी छोटी सभाएं भी हैं, सम्मेलन हैं, जो जुलूस हैं वो भी निकाले जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग जनपदों में क्या रूपरेखा होगी वो तय किया गया है। हालांकि कोई अभी तारीख तय नहीं है कि कब से शुरू होगा, लेकिन भाजपा का यह प्रचार अभियान चल रहा है पहले से। अन्य दलों को हम देखें तो इंडिया गठबंधन अभी कोई भी मैदान में नहीं उतरा है, लेकिन बीजेपी अपने आप को मैदान में पूरी तरह से उतार चुकी है। तो 19 हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन भी इसके लिए हायर किए गए हैं। जो बीजेपी मुख्यालय है वहां पर एक एविएशन विभाग बनाया गया है, ताकि जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े केंद्रीय नेता जो यहां पर उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे, मध्य प्रदेश के सीएम भी प्रचार करेंगे, तमाम अन्य प्रदेशों के सीएम आएंगे, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर होंगे, चार्टर प्लेन होंगे, ताकि रैली में और जनसभाओं में समय से पहुंचा जा सके, समय की बर्बादी जरा भी ना हो। आज बैठक में इसी बात ठीक है विवेक, कुल मिलाकर के बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली। 19 चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर को भी हायर किया गया है ताकि जो नेता है वो रैलियों में वक्त पर पहुंच सके। विवेक, मैं लौटता हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ।